हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फोर्थ लेक्चर है। लास्ट थ्री लेक्चर्स में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बेसिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एब्जॉर्प्शंस रूल आदि की स्टडी की। अब उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखे कि वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं और कैसे उनकी एनर्जी का ऑर्डर होता है और किन किन तरह के कंपाउंड्स में किस किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पाए जाते हैं। साथ ही हमने सिलेक्शन रूल्स की भी बात की जो कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को बताता है। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स। कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स, ये भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें बताएगा कि किन तरह के कंपाउंड्स यूवी एक्टिव होते हैं या लैम्डा मैक्स दिखाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्रोमोफोर्स की, कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। किसी भी कंपाउंड में कलर के लिए जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं वो क्रोमोफोर्स होते हैं। क्रोमो वर्ड कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड कलरफुल है या उसमें कलर आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई क्रोमोफोर प्रेजेंट होगा ही। तो क्रोमोफोर्स वो ग्रुप होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड को कलर प्रदान करने का काम करते हैं। ये तब होता है, कलर तब दिखाई देता है जब क्रोमोफोरिक ग्रुप के कारण एब्जॉर्प्शन किसके बीच में होता है, 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में। आपको पता है कि ये 400 से 800 नैनोमीटर रेंज जो है वो विजिबल लाइट की है। अगर किसी क्रोमोफोरिक ग्रुप के कारण एब्जॉर्प्शन 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज में पहुंच गया तो वो कंपाउंड कलरफुल होगा, ह्यूमन आई को दिखाई देगा। वो कलर विबग्योर की रेंज में कोई सा भी कलर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस लैम्डा मैक्स पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो कलर के लिए दिखने के लिए एब्जॉर्प्शन किस रेंज में होना चाहिए, 400 से 800 नैनोमीटर, जो कि विजिबल लाइट की रेंज है। जनरली जो क्रोमोफोरिक ग्रुप में जो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन का टाइप है वो या तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। हमने एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि क्या होते हैं, कैसे एन से पाई स्टार में जाता है या पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में होता है, इथाइलिन एसेटाइलिन में। और एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किन में पाया जाता है, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गया, कार्बोनिल्स हो गया, एजो कंपाउंड्स हो गया, नाइट्राइल्स हो गया, इन कंपाउंड्स में एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। तो जैसे इथाइलिन ग्रुप या एसिटाइलिन ग्रुप हो गया, ये क्रोमोफोर हो गया, नाइट्रो कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स, नाइट्राइल्स, ये क्रोमोफोरिक ग्रुप हो गए। मतलब इनकी प्रेजेंस जरूरी है कलर आने के लिए, देयर प्रेजेंस नेसेसरी फॉर कलर जनरेशन। ठीक है, अब जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्रोपीन। अब इसमें अगर हम बात करें क्रोमोफोरिक ग्रुप की तो ये क्रोमोफोरिक ग्रुप है, ये मिथाइल क्रोमोफोरिक ग्रुप नहीं है क्योंकि इसके कारण कोई कलर नहीं आता। लेकिन जो क्रोमोफोरिक ग्रुप है वो ये जो ये वाली मॉइटी है ये क्रोमोफोरिक ग्रुप हो गया। अगर हम ब्यूटीन की बात करें तो इसमें जो क्रोमोफोरिक ग्रुप हो गया ये हो गया। तो आप हाईलाइट कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में क्रोमोफोरिक ग्रुप कौन सा है। एल्कीन एल्डिहाइड कीटोन क्रोमोफोरिक ग्रुप एब्जॉर्प्शन जो इनका होता है वो 400 नैनोमीटर से कम होता है, तो इसलिए ये कंपाउंड्स के कारण अगर कलर नहीं आएगा, कलर लेस होगा, क्योंकि इसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप तो है लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो 400 नैनोमीटर से नीचे हो रहा है तो कलर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम NO2 ग्रुप की बात करें तो इसके कारण जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 400 नैनोमीटर के ऊपर होता है और येलो कलर आता है, तो ये नाइट्रो ग्रुप के कारण कलर अपीयर होता है। तो हमने यहाँ एक डिफरेंस देखा, कार्बोनिल भी क्रोमोफोरिक ग्रुप है, नाइट्रो भी क्रोमोफोरिक ग्रुप है, पर कार्बोनिल में कलर नहीं है और नाइट्रो कंपाउंड्स में कलर है जो कि येलो कलर होता है जनरली। तो इस डिफरेंस से ये पता चला कि क्रोमोफोरिक ग्रुप कलर की जनरेशन के लिए जरूरी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि अगर क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कलर आएगा ही आएगा। कलर सिर्फ उसी कंडीशन में आएगा जब क्रोमोफोरिक ग्रुप के कारण एब्जॉर्प्शन 400 से 800 नैनोमीटर रेंज के बीच में हो रहा है। तो आपको ये समझ में आया, क्रोमोफोरिक ग्रुप कलर के लिए जरूरी है लेकिन कलर आए ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। कलर तभी आएगा जब विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन होगा।
ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्रोमोफोरिक ग्रुप इज नेसेसरी फॉर कलर जनरेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंपाउंड्स हैविंग क्रोमोफोरिक ग्रुप विल बी कलर्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्रोमोफोर कलर के लिए जरूरी होता है, और वो क्रोमोफोरिक ग्रुप जो कि विजिबल लाइट रीजन में एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं वो कंपाउंड को कलर प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सोक्रोम्स की। क्रोमोफोर्स कलर के लिए जरूरी है, फिर ये ऑक्सोक्रोम्स क्या है? ऑक्सोक्रोम्स वो होते हैं जिनमें कम से कम एक पेयर लॉन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे OH, NH2, OR, NR2, ये सभी ऑक्सोक्रोम है। और आप देखेंगे इन सभी ऑक्सोक्रोम में एक एक हेट्रो एटम है और इन हेट्रो एटम्स पे लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोफोर होने के लिए, ऑक्सोक्रोम होने के लिए क्या जरूरी है कि लॉन पेयर प्रेजेंट होना जरूरी है। अब ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ये क्रोमोफोर से किस तरह से अलग है हम वो समझते हैं। ये ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो क्रोमोफोर की तरह कलर प्रदान करने के लिए जरूरी नहीं होते हैं। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है तो कलर होगा। कलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनके होने नहीं होने से कलर आएगा या नहीं आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डज नॉट इट सेल्फ एक्ट एज अ क्रोमोफोर, ठीक है, बट इट प्रेजेंट शिफ्ट एब्जॉर्प्शन टुवर्ड्स लार्जर लैम्डा मैक्स। होता क्या है कि जो ऑक्सोक्रोम्स होता है वो लैम्डा मैक्स को शिफ्ट करता है, लैम्डा मैक्स को हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट करता है, लैम्डा मैक्स को बढ़ाता है। और अगर लैम्डा मैक्स को वो बढ़ाकर विजिबल रीजन में ले आता है तो कलर आ जाता है। तो ऑक्सोक्रोम खुद तो कलर नहीं लेके आते, लेकिन ये अगर लैम्डा मैक्स को इस तरह से शिफ्ट कर दे कि एब्जॉर्प्शन अब विजिबल रीजन में होने लग जाए तो कलर आ जाएंगे। ये जनरली क्रोमोफोर के साथ कंबाइंड होके काम करते हैं और कंजुगेशन को एक्सटेंड करने का काम करते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कंजुगेशन एक्सटेंड होता है लैम्डा मैक्स बढ़ती है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और अगर लैम्डा मैक्स बढ़ते बढ़ते विजिबल रीजन में आ जाए तो कलर आ जाएगा। तो ऑक्सोक्रोम के प्रेजेंस ना होने नहीं होने से कलर का कोई वो नहीं है, सिर्फ ये लैम्डा मैक्स को बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हें कलर एनहेंसिंग ग्रुप कहा जाता है, ना कि कलर जनरेटिंग ग्रुप। कलर जनरेटिंग ग्रुप्स होते हैं क्रोमोफोर और कलर एनहेंसिंग ग्रुप्स होते हैं ऑक्सोक्रोम। इनका जो खुद का करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन होता है वो 200 नैनोमीटर के नीचे होता है। तो आई बात समझ में कि ऑक्सोक्रोम खुद तो कोई यूवी विजिबल रीजन में अकेले तो कोई एब्जॉर्प्शन शो ही नहीं कर रहे हैं, इनका एब्जॉर्प्शन जनरली 200 नैनोमीटर से नीचे होता है। और ये किस तरह से, अब बात आई कि हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सोक्रोम्स कंजुगेशन को बढ़ा देते हैं और कलर लैम्डा मैक्स को शिफ्ट कर देते हैं हायर वैल्यू की तरफ। वो कैसे करते हैं, ये कंजुगेशन में अपने लॉन पेयर प्रोवाइड कराते हैं, लॉन पेयर प्रोवाइड कराते हैं और कंजुगेशन को एक्सटेंड करते हैं। अब इस ऑक्सोक्रोम को हम इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। ये हमारा कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, ये हमारा एनिलीन कंपाउंड है, इसका लैम्डा मैक्स आ रहा है 280, ठीक है। और इसका अगर हम इसका है ना प्रोटोनेशन कर दे और एनिलियम आयन बना दे तो आ रहा है लैम्डा मैक्स 254। तो आपको इस एग्जाम्पल में क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल में समझ में आया कि ये जो ग्रुप है NH2 ग्रुप, ये ऑक्सोक्रोम की तरह काम कर रहा है। ये अपने लॉन पेयर कंजुगेशन में प्रोवाइड कराता है और एरोमेटिक मॉइटी के साथ जुड़कर कंजुगेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि लैम्डा मैक्स 280 आती है। लेकिन जैसे ही हम प्रोटोनेशन करते हैं एंड पे उपस्थित लॉन पेयर खत्म हो जाते हैं, कंजुगेशन कम हो जाता है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू 254 नैनोमीटर आती है, जो कि 280 नैनोमीटर से कम होती है। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों मॉइटी में कंपैरिजन करें तो इस मॉइटी में NH2 ग्रुप ऑक्सोक्रोम की तरह काम कर रहा है, लॉन पेयर प्रोवाइड करके कंजुगेशन बढ़ाकर लैम्डा मैक्स की वैल्यू हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो NH2 हो गया ऑक्सोक्रोम। अब अगर अपन ये एक एजो डाई देखें, डाई एजो कंपाउंड देखें, तो आपको अब समझ में आएगा कि इसमें ऑक्सोक्रोम हो रहा है। अब मेरे ख्याल से आप खुद भी बता सकते हैं कि इन दोनों ग्रुप में ऑक्सोक्रोम मॉइटी कौन सी होती है। आपने सही समझा,
ये OC2H5 ये ऑक्सोक्रोम मोइटी की तरह काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर देगा और कंजुगेशन बढ़ा देगा। इसी वजह से इस वाले कंपाउंड में एथॉक्सी एजोबेंजीन कंपाउंड में लैम्डा मैक्स है 385, जबकि एजोबेंजीन कंपाउंड जिसमें कोई एक्सोक्रोम प्रेजेंट नहीं है इसमें लैम्डा मैक्स 320 नैनोमीटर है, जो कि 385 नैनोमीटर से कम होती है। तो आपको समझ में आया कि ऑक्सोक्रोम का काम सिर्फ लैम्डा मैक्स को बढ़ाना है और कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाना है अगर लैम्डा मैक्स बढ़कर विजिबल रीजन में आ जाती है। तो ऑक्सोक्रोम के का कोई सिर्फ ये कलर एनहेंसिंग ग्रुप्स हैं। अब हम बात करेंगे शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन पीक। आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझ में आया कि किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो जाता है अगर उसमें ऐसे कोई ग्रुप या तो ऐड कर दे या रिमूव कर दे जो कि कंजुगेशन को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो इतनी पिक्चर समझ में आई, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑक्सोक्रोम लैम्डा मैक्स को बढ़ा देते हैं, अगर किसी कंपाउंड में हम ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस कर दे तो लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन पीक्स जो कि लैम्डा मैक्स होती है वो किस तरह से शिफ्ट होती है उसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। ये लैम्डा मैक्स है, ठीक है। अब लैम्डा मैक्स में चार तरह के शिफ्ट आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं। हम पहला शिफ्ट पढ़ते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। आप देखें, मान लो ये लैम्डा मैक्स है, अगर ये हायर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है तो इसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। रेड शिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रेड कलर विबग्योर हम विजिबल रीजन में पढ़ते हैं कि वॉयलेट से जब हम रेड की तरफ जाते हैं तो लैम्डा मैक्स में वृद्धि होती है, तो हम इसीलिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी कहते हैं। अब बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? लैम्डा मैक्स शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ रेड शिफ्ट, मतलब लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। मान लो हमने कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, पहले लैम्डा मैक्स आ रही थी 200 नैनोमीटर, अगर उस ग्रुप को ऐड करने की वजह से लैम्डा मैक्स 220 नैनोमीटर हो गई तो इसका मतलब है ये शिफ्ट कहलाएगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जनरली बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि किस तरह से लैम्डा मैक्स को ऑक्सोक्रोम्स बढ़ा देते हैं अपने लॉन पेयर डोनेट करके इन कंजुगेशन। और सॉल्वेंट चेंज से भी आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट होता है वो अलग अलग पोलैरिटी के होते हैं। अगर जैसे हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पोलैरिटी में चेंज आएगा, और वो पोलैरिटी चेंज होता है वो भी लैम्डा मैक्स को बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे हमने पढ़ा था कि दो तरह के ट्रांजिशन मेनली ऑब्जर्व होते हैं, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जब हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व होता है जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एसीटोन से हेक्सेन सॉल्वेंट ले, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए हम या तो एसीटोन सॉल्वेंट यूज करें या हेक्सोन सॉल्वेंट यूज करें, तो इन दोनों में से अगर हम पोलैरिटी देखें तो किसकी कम है? हेक्सेन की पोलैरिटी कम है। जब हेक्सेन सॉल्वेंट में कार्बोनिल कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रा लिया जाए और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन का लैम्डा मैक्स देखा जाए तो वो कम हो जाएगा कंपैरिजन टू एसीटोन सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो ये आप समझ में आया कि किस तरह से बैथोक्रोमिक शिफ्ट को बैथोक्रोमिक शिफ्ट सॉल्वेंट की पोलैरिटी से भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट दो तरीके से होता है, या तो ऑक्सोक्रोम को हम ऐड कर दे तो लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगी, या सॉल्वेंट की पोलैरिटी को हम कम कर दे तो लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगी। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट के जस्ट अपोजिट होता है, इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो जहां बैथोक्रोमिक शिफ्ट में रेड शिफ्ट हो रहा था, लैम्डा मैक्स बढ़ रही थी, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्स कम होती है और इसे ब्लू शिफ्ट क्यों कहते हैं ये समझ में आ ही रहा है, क्योंकि जब हम रेड से वॉयलेट कलर की तरफ जाएंगे तो लैम्डा मैक्स में कमी होती है। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ होने वाला शिफ्ट कहा जाता है।
अब इसका जो रीजन होता है वो आप सिंपल समझ में आ रहा है, जहां कंजुगेशन लैम्डा मैक्स को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कंजुगेशन को खत्म कर दे तो लैम्डा मैक्स कम हो जाएगा। तो वो जो ग्रुप होते हैं या वो फैक्टर्स होते हैं जो लैम्डा मैक्स को कम कर दे या खत्म कर दे, तो वो हमारे लैम्डा मैक्स को कम कर देंगे और इसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये एग्जाम्पल पहले भी पढ़ा था, हमने इसको ऑक्सोक्रोम में इस एग्जाम्पल को देखा था और हमने बोला था कि NH2 ग्रुप होता है वो ऑक्सोक्रोम होता है। जब हम इससे प्रोटोनेशन कराते हैं तो होता क्या है, इस प्रोटोनेशन की वजह से जो NH2 ग्रुप और बेंजीन लिंक के बीच में जो कंजुगेशन हो रहा था वो खत्म हो जाता है और इस वजह से लैम्डा मैक्स कम हो जाती है। तो इस शिफ्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस शिफ्ट को हम बोल सकते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मतलब ब्लू शिफ्ट, मतलब लैम्डा मैक्स का कम होना। तो आ गई आपको दो दो शिफ्ट आपने पढ़ लिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट लैम्डा मैक्स को कम या ज्यादा करने से रिलेटेड है। अब हम दो शिफ्ट और पढ़ेंगे जिन्हें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स की वैल्यू को नहीं चेंज करता है, ये पीक की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। मान लो पीक ये है और ये ही अगर कोई फैक्टर हम लगा दें और पीक की इंटेंसिटी बढ़ जाए, पीक और ज्यादा बड़ी हमें मिलने लग जाए तो उसे हम कहेंगे, या पीक हमें छोटी मिलने लग जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब हम पहले पढ़ते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ लैम्डा मैक्स इंक्रीज, अगर लैम्डा मैक्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और आपको पता था कि इंटेंसिटी को हमने किससे रिलेट किया था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर से, ई मैक्स से, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जैसे जैसे ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है उस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मान लो कि अगर प्रोबेबिलिटी जहां 100 से 200 मॉलिक्यूल की हो गई तो वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जस्ट हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है इंटेंसिटी में होने वाली वृद्धि। फॉर एग्जाम्पल, और जनरली ऐसा देखा गया है कि जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है उसके साथ साथ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है, मतलब लैम्डा मैक्स बढ़ती है साथ में इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पिरीडीन है और ये मिथाइल पिरीडीन है। जब हम पिरीडीन से मिथाइल पिरीडीन की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि आपको लैम्डा मैक्स भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपको इंटेंसिटी ई मैक्स की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। 2750 है यहाँ पे और यहाँ पे 3560 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शिफ्ट हुआ वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पीक की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, अब दूसरा है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है वो कम हो जाता है, मतलब पीक होता है वो उसकी हाइट कम हो जाएगी। यहाँ पे हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में जो खेल है वो हाइट का है। पीक की हाइट जितनी ज्यादा होती है इसका मतलब है कि उस ट्रांजिशन के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर उतना ज्यादा है। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में पीक की हाइट कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ई मैक्स की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी। और ये जो शिफ्ट होता है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के साथ होता है, मतलब जैसे हम कंजुगेशन को रिमूव करते हैं लैम्डा मैक्स कम होती है साथ ही पीक की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो ये ट्रांजिशन हमें ये जो शिफ्ट है वो हमें रिमूवल ऑफ कंजुगेशन में ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, साथ ही हम इसका ज्योमेट्री पे भी इफेक्ट देखेंगे। ये जो है बाईफिनाइल, इसमें आराम से कंजुगेशन हो रहा है, इसका लैम्डा मैक्स ई मैक्स जो है वो 19,000 है, आप गौर करिए 19,000। लेकिन जैसे ही हम एक फिनाइल ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप हम ऐड कर देते हैं तो ये जो दोनों रिंग है जिनमें आराम से कंजुगेशन हो रहा था, इनकी पोलैरिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, पोलैरिटी जिससे कि ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ये अब एक प्लेन में नहीं रहेंगे। और जब एक प्लेन में नहीं रहेंगे तो जो कंजुगेशन है जो जितनी आसानी से इसमें हो रहा था बाईफिनाइल में, उतनी आसानी से कंजुगेशन इसमें नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। आप देखिए लगभग आधी हो गई। तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कब ऑब्जर्व होता है, जब
इंटेंसिटी कम हो जाती है, पीक की हाइट कम हो जाती है, आप किसी भी फैक्टर से, आप चाहे तो प्रोटोनेशन वगैरह से आप कंजुगेशन को रिमूव कर दो या जेमेट्री को डिस्टॉर्ट कर दो किसी ग्रुप को ऐड करके, आपका कंजुगेशन खत्म होगा और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे लैम्डा मैक्स भी कम हो जाती है। तो इससे एक समझ में आए कि चार तरह के शिफ्ट्स हैं, जिसमें लैम्डा मैक्स में जो शिफ्ट होता है उन्हें बैथोक्रोमिक या और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट रेड शिफ्ट, लैम्डा मैक्स का बढ़ना, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स का कम होना, ब्लू शिफ्ट। फिर आता है इंटेंसिटी के आधार पे जो दो शिफ्ट होते हैं, वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होते हैं और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होते हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट इंटेंसिटी का बढ़ना, जो पीक है उसकी हाइट का बढ़ना, और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है वो इंटेंसिटी का कम होना, पीक की हाइट का कम होना। जनरली हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ होता है और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ये के साथ होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो आपको ये चीज समझ में आई, ये चार शिफ्ट आपको समझ में आए बच्चों। अब हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की। आपको ये चीज समझ में आई थी जब मैंने एब्जॉर्प्शन रूल पढ़ाया था कि किसी सॉल्यूट को जिसका हमें यूवी स्पेक्ट्रा निकालना है उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाएगा। डायरेक्टली किसी कंपाउंड को हम नहीं यूज कर सकते, आपको उसे किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करके उसका यूवी स्पेक्ट्रा लेना होता है। तो किस तरह के सॉल्वेंट्स को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है, अब हम उसकी बात करते हैं, उनमें क्या करेक्टर होना चाहिए। फर्स्ट, उनका खुद का जिस रीजन में हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं शो करना चाहिए, और दूसरा वो चीप होना चाहिए। तो आइए बात समझ में, दो पॉइंट याद रखने, खुद का कोई एब्जॉर्प्शन उस इन्वेस्टिगेशन रीजन में नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो सस्ता होना चाहिए। जो कॉमनली सॉल्वेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं वो है 95% इथेनॉल। ये 210 नैनोमीटर के नीचे अपना एब्जॉर्प्शन दिखाता है, और आपको पता था कि 200 के नीचे जो रीजन होता है वो वैक्यूम यूवी रीजन होता है, हम उसकी स्टडी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं करते हैं। तो ये हो गया एन हेक्सेन, मिथाइल एल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, डाइथाइल ईथर, ये सभी सॉल्वेंट होते हैं वो जो लगभग 200 नैनोमीटर या उसके नीचे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इसलिए इन सॉल्वेंट्स को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज अ सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। साथ ही ये चीप होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये हो गए हमारे सॉल्वेंट जो जनरली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम काम में लेते हैं। अब थोड़ा सा मैंने आपको, जब हम शिफ्ट्स पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि सॉल्वेंट की पॉलरिटी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू या फिर है ना इंटेंसिटी को, पीक जो होती है उसकी इंटेंसिटी को प्रभावित करता है। तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे और समझेंगे कि किस तरह से प्रभावित करता है। तो मान लो हम सॉल्वेंट की पॉलरिटी चेंज कर रहे हैं, तो जो अलाउड ट्रांजिशन है, जैसे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जनरली हम कार्बोनिल्स या एल्कीन्स, एल्काइन्स, इनकी स्टडी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। तो इनमें दो तरह के ट्रांजिशन की हम मेनली स्टडी करते हैं, वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, जिसमें से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि इस पे सिमेट्री चेंज नहीं होती है, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो नॉट अलाउड ट्रांजिशन है। अब सॉल्वेंट की पॉलरिटी जो चेंज होती है उनका इफेक्ट इन अलाउड और नॉट अलाउड ट्रांजिशंस पे अलग अलग होता है। ध्यान दे, सॉल्वेंट की पॉलरिटी इफेक्ट करती है, लेकिन अलाउड और नॉट अलाउड ट्रांजिशन को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रभावित करता है। तो अगर मैं सॉल्वेंट की पॉलरिटी बढ़ाऊं तो जो अलाउड ट्रांजिशन होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये शिफ्ट होता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, मतलब लैम्डा मैक्स बढ़ जाती है। और साथ ही अगर मैं देखूं, मैं पॉलरिटी बढ़ाती हूं, तो नॉट अलाउड ट्रांजिशन ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा, ब्लू शिफ्ट होगा। तो आप देखेंगे सॉल्वेंट की पॉलरिटी बढ़ाने का अलग अलग इफेक्ट हो रहा है अलाउड और नॉट अलाउड ट्रांजिशन पे। अलाउड ट्रांजिशन का बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, जबकि नॉट अलाउड ट्रांजिशन का हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो आपने देखा कि सॉल्वेंट हमें कैसा लेना है, ठीक है, उसका खुद का एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और वो पॉलरिटी किस तरह से प्रभावित कर रही है। अगर पॉलरिटी बढ़ाते हैं तो जो अलाउड ट्रांजिशन है
उसकी तो लैम्डा मैक्स बढ़ जाती है, और जो जो नॉट अलाउड ट्रांजिशन है उनकी लैम्डा मैक्स कम हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है कि जो होमो और लूमो के बीच का एनर्जी डिफरेंस है वो चेंज होता है। सारा खेल एनर्जी डिफरेंस का है। एनर्जी डिफरेंस अगर बढ़ जाएगा तो लैम्डा मैक्स कम हो जाएगी, और एनर्जी डिफरेंस अगर कम हो जाएगा तो लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगी। तो आपने सॉल्वेंट पॉलरिटी को भी समझ लिया कि किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा है। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमने ये ही पॉइंट्स पढ़े हैं, जो कि हैं शिफ्ट इन ट्रांजिशन, शिफ्ट पढ़े, चार तरह के शिफ्ट पढ़े। फिर हमने सॉल्वेंट इफेक्ट देखा, सॉल्वेंट चॉइस देखा, सॉल्वेंट पॉलरिटी का इफेक्ट देखा। तो आज की क्लास के लिए इतना। थैंक यू स्टूडेंट्स।